गुलरिहा पुलिस ने गोरखपुर आसपास के अन्य जनपदों में गाड़ियों की चोरी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को भटहट निचलौल कस्बा महाराजगंज थाना गुलरिहा गोरखपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मोहम्मद इमरान पुत्र कलीमुल्लाह निवासी बढ़ईपुरवा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज, दूसरा अरविंद पांडे पुत्र शैलेंद्र पांडे निवासी मसूरगंज थाना कप्तानगंज कुशीनगर, तीसरा अफजल पुत्र अमीरुल्लाह निवासी कृष्णानगर कस्बा निचलौल थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग नेपाल बॉर्डर पर निचलौल कस्बा में पूर्वांचल बाइक कार बाजार के नाम से कार बाजार की दुकान खोले हैं। हम लोग चोरी की गाड़ियों को खरीद कर उनका कागजात बनाकर आधे दाम पर नेपाल या यूपी में बेच देते हैं। यह गाड़ी करीब 5 से 6 माह पहले राजन गुप्ता पुत्र जमुना गुप्ता निवासी भुजहना थाना सिंदुरिया व मिथिलेश मिश्रा निवासी किशनपुर थाना ठूठी बारी लाकर बेचते हैं, जिसके पास से 8 मोटरसाइकिल 2 कार बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलरिहा थाना प्रभारी उमेश कुमार वाजपेयी, स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित राय, उप निरीक्षक ज्योति नारायण तिवारी, कांस्टेबल दीपू आशीष, अनुप सिंह, भूपेंद्र सिंह, महफूज आलम, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, कांस्टेबल दुर्गेश मिश्रा, करुणापति तिवारी, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, गुलरिहा थाने व प्रभारी स्वाट टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से 2 फोर व्हीलर गाड़ियां और 8 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की गई हैं। इन गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम मोहम्मद इमरान, अरविंद पांडे व अफजल है। ये लोग गोरखपुर व आसपास के ज़िलों से गाड़ियां चोरी करते थे और उसका पेपर बनवा के और उसके बाद उसकी बिक्री करते थे। इसमें जो इमरान है वो मुख्य रूप से गाड़ी चोरी करता था, अरविंद पांडे और अफजल इसके पेपर बनवा कर इसको बेचने में इसका सहयोग करते थे। ये विभिन्न कार बाज़ार जो हैं उनमें मुख्य रूप से बेचते थे। इसमें एक अभियुक्त जो अरविंद पांडे है वो उसका एक कार बाज़ार से भी संपर्क है, तो वहाँ से ये लोग अपनी कारें बिकवा रहे हैं। ये अभी आसपास के जनपदों की टोटल मिला करके 8 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, 2 व्हीलर और 2 फोर व्हीलर। तो मुख्य रूप से नई गाड़ियाँ हीरो स्प्लेंडर प्लस और जो नए मॉडल की गाड़ियाँ हैं उन्हीं की चोरी करते थे, जिससे कि उनकी आसानी से बिक्री हो जाए। अभी आपराधिक इतिहास इनका तलाश किया जा रहा है और बाकी जिलों से भी इसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है। कितने का गैंग था या ये पेपर कैसे बनाते थे?
ये पेपर बनवाने में तो इसमें एक अभियुक्त जो है उसका विशेष रूप से योगदान है, अरविंद पांडे का। और जो अफजल है वो एक कार बाजार चलाता है, तो इस तरह से सभी मिलकर के और पूरी घटना को अंजाम देते थे। इसमें पूछताछ हो रही है और भी अगर लोग जो शामिल पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जी बिल्कुल निश्चित रूप से इसे जरूर इस संभावना पर हम लोग और खोजबीन करेंगे। अगर पीछे भी ऐसा मिलेगा कि इन्होंने और भी घटनाएँ कारित की हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अभी तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें मोहम्मद इमरान, अरविंद और अफजल हैं। बाकी शेष लोगों पे अभी पूछताछ जारी है, जो नाम और प्रकाश में आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी ये तो स्पष्ट रूप से नहीं प्रकाश में आया है कि आरटीओ कर्मचारी लिप्त है या नहीं, लेकिन इसमें से एक अभियुक्त जो है वो पर्चे वगैरह कागजात बनवाने में आरटीओ ऑफिस से, हाँ निश्चित रूप से आरटीओ ऑफिस से ही बनवाते होंगे, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरटीओ ऑफिस की कोई संलिप्तता नहीं है। अगर होगी तो उसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। हाँ इसकी भी जानकारी मिली है कि कुछ गाड़ियाँ नेपाल भी भेजते हैं। अब इसमें विस्तृत छानबीन की जा रही है, स्वाट टीम लगी हुई है। नहीं, पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं, ये विशुद्ध रूप से अपराधी हैं और रेकी करके जहाँ सुरक्षित रूप से ये गाड़ियाँ उठा सकते हैं वहाँ से गाड़ियाँ उठाते थे और उसके कागजात बनवा के और इस तरह से बेचते थे कि जैसे कि ये लीगल गाड़ी हो। ये निश्चित रूप से इसका नेटवर्क बड़ा है और बड़े कायदे से और दिमाग लगा करके ये लोग अपना काम अंजाम देते हैं।